हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज ना क्या बहुत टाइम बाद मैं ऐसा लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। अभी क्या है कि समर का मौसम है तो बहुत धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कुछ समर का रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाता हूँ। तो आप लोग चैनल पर बने रहना कि आप भी आराम से अपने घर में बना के इस ड्रिंक का मज़ा ले सकते हो। सबसे पहले हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी। उसके लिए मैं ले रहा हूँ एक चम्मच कॉफ़ी। फिर एक चम्मच शुगर और थोड़ा सा, और अब मैं लूँगा थोड़ा सा मिल्क। अब इसे हमें अच्छे से ग्रैंड करना है। अच्छे से हमें कॉफी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर देना है। अगर आपके पास कॉफी ब्लेंडर नहीं है तो आप चम्मच से भी कर सकते हो। वैसे मैंने ये कॉफी ब्लेंडर मैंने मीशो से ऑर्डर किया है 130 रुपीज में। आप चाहिए तो मीशो से ऑर्डर कर सकते हो। आई थिंक 130 रुपीज में बहुत अच्छा प्राइस है इसका ब्लेंडर का, एंड इट्स वर्क, काम भी कर रहा है अच्छे से। ये है ग्लास और ये है चॉकलेट सिरप। तो इस सिरप को बोतल पे ऐसे फैला देना है। हम डालेंगे कॉफ़ी जो हमने ब्लेंड किया है। हम डालेंगे कुछ आइस। मेरा आइस जो पूरा मेल्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा आपके इसके हिसाब से आपको कितना ठंडा अच्छा लगता है इसी के हिसाब से आप आइस डाल सकते हो। बताइए कुछ कर देंगे। एंड लास्ट मैं डालूंगी मिल्क। ओ शिट, मेरे साथ ही ये कांड होना था। शिट, हो गया अपना कॉफी, कोल्ड कॉफी एकदम रेडी। अब हम बनाएंगे सबसे फेमस ड्रिंक मोजिटो, वर्जिन मोजिटो। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक ग्लास। इस ग्लास में हम डालेंगे नींबू, लेमन और कुछ मिंट लीव्स, मिंट के पत्ते डालेंगे। और हमें इसे अच्छे से थोड़ा घा पे पीस लेना है ताकि नीम का फ्लेवर भी आए और लेमन का भी। तो अब हम डालेंगे यहाँ थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, सी लाइम जूस, मैंने थोड़ा नींबू निचोड़ लिया है, मतलब 2 या 3 चम्मच के बराबर होंगे। थोड़ा आइस, आइस पूरा मेल्ट हो चुका है मेरा। अब हम डालेंगे थोड़ा सोडा, ओह शिट यार, ये क्यों मेरे साथ ही, क्यों बार बार हर चीज मेरे साथ ही गलत हो रहा है, गॉड नोज। सोडा डाल लेने के बाद हमें डालना है थोड़ा सा स्प्राइट।
के लिए। तो बन गया है अपना वर्जिन मोजिटो, ये आपके लिए बहुत ही मतलब समर में बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक रहता है, तो आप इसे आराम से घर पे बना के पी सकते हो। और अब हम बनाएंगे लास्ट ड्रिंक, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, छत पता ड्रिंक आई विल से दिस, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपने पल्स का चॉकलेट मिठाई खाया है तो आपको पता है कि पल्स कौन सा है, अगर उनको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैंने पल्स को ग्राइंडर में पीस लिया है, उसके बाद मैं एक स्पून यहाँ डाल रही हूँ और एक हाफ इंच स्पून, उसके बाद हम डालेंगे लाइम जूस जो थोड़ा सा बच गया था, एक स्पून है। नाउ यू हैव टू पुट सम आइस, और लास्ट मैं डाल रही हूँ स्प्राइट। ये जो समर ड्रिंक है ना इतना इजी है, मतलब आपको बनाने में इससे 5 मिनट नहीं लगेगा, आप इसे आराम से बना के अपने घर में गेस्ट आए तो उसे सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो भी मैंने बनाया है अभी, तो इसे अभी मिक्स कर दीजिए थोड़ा। एंड जस्ट फॉर अ डेकोरेशन पर्पस आप यहाँ एक नीम के पत्ते लगा सकते हो, और अगर आपके घर में कुछ फ्रूट्स है तो आप कुछ फ्रूट्स भी रख सकते हो। माय चटपटा ड्रिंक्स, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है। हमारा समर ड्रिंक बनके तैयार हो चुका है जो बहुत ही इजी है, मतलब 10 मिनट में मैंने ये 3 ड्रिंक बनाया। आपके घर में भी अगर कोई भी गेस्ट आए मेहमान है तो आप आराम से बना सकते हो, ये ड्रिंक बहुत ही इजी एंड सिंपल है, बहुत रिफ्रेशिंग है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।